रेलवे स्टेशन पे हमारा विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें जीआरपी थाना अजमेर, आरपीएफ थाना अजमेर और डॉग स्क्वाड के साथ में प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे वो जो लावारिस सामान वगैरह हैं उनको चेक किया, यात्रियों को सामान को भी चेक किया और सबको हिदायत दी कि भाई संदिग्ध वस्तु या कोई लावारिस बैग वगैरह हो तो हमें सूचना दें। ध्यान में रखते हुए जीआरपी और आरपीएफ हमारे आरपीएफ के स्वान दस्ता के साथ यात्रियों को जागरूक किया जाता है और अवांछित कोई सामान वगैरह मिलता है उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे परिसर में गंदगी न फैलाएं और आवश्यकता पड़ने पर 182 का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उनको बताया जा रहा है कि आपका ट्रेन के अंदर हेल्प चाहिए तो 182 को फ़ोन करके इन ट्रेन आप सहायता ले सकते हैं। सर अभी गेटिंग रूम में भी कोई लावारिस सामान मिला, उसका कोई मालिक नहीं थे? वो एक्चुअली रेलवे कर्मचारी था जो गेट के ऊपर बैठा हुआ था, उससे पूछा गया था वो कि बाहर गए हैं, बाहर गया के उनको बुला के उनको सामान हैंडओवर कर रहा है। उसको सामान रखवा सकते हैं? नहीं वैसे रखवा नहीं सकता, उसको समझाइश दी है कि इस प्रकार से सामान नहीं रखवाए। रेलवे के अंदर लगेज रूम बना हुआ है, लगेज रूम के अंदर सामान रखवाना सुनिश्चित करें ताकि पैसेंजर वहाँ पर रखे और अपना सामान सुरक्षित से रखवा सके। ध्यान में रखते हुए जीआरपी और आरपीएफ हमारे आरपीएफ के स्वान दस्ता के साथ यात्रियों को जागरूक किया जाता है और अवांछित कोई सामान वगैरह मिलता है उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे परिसर में गंदगी न फैलाएँ और आवश्यकता पड़ने पर 182 का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उनको बताया जा रहा है कि आपका ट्रेन के अंदर हेल्प चाहिए तो 182 को फ़ोन करके इन ट्रेन आप सहायता ले सकते हैं। सर अभी गेटिंग रूम में भी कोई लावारिस सामान मिला, उसका कोई मालिक नहीं थे? वो एक्चुअली रेलवे कर्मचारी था जो गेट के ऊपर बैठा हुआ था, उससे पूछा गया था वो कि बाहर गए हैं, बाहर जाके उनको बुला के उनको सामान हैंडओवर कर रहा है। उसको सामान रखवा सकते हैं? नहीं वैसे रखवा नहीं सकता, उसको समझाइश दी है कि इस प्रकार से सामान नहीं रखवाए। रेलवे के अंदर लगेज रूम बना हुआ है,
लगेज रूम के अंदर सामान रखवाना सुनिश्चित करें ताकि पैसेंजर वहाँ पर रखे और अपना सामान सुरक्षित रखवा सके।